नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आपने इस वीडियो के शीर्षक में देख लिया होगा, आज का वीडियो जो है वो पशुपालक भाइयों के लिए है, उन पशुपालक भाइयों के लिए जो अपने देश की जनता के लिए दुग्ध उत्पादन करते हैं, एक बड़ा हेल्दी न्यूट्रिशियस ड्रिंक अवेलेबल कराते हैं दूध के नाम से, जिसे हम जानते हैं और जिसके तमाम बाई प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं दूध के साथ साथ, और पशु चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए और लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने शीर्षक में देखा होगा कि पिंकिश मिल्क हो जाना या दूध में ट्रेसेस में ब्लड आना या बिल्कुल ज़्यादा ब्लड आना, जिससे दूध में बिल्कुल गुलाबी रंग या लाल सा रंग आ जाता है, ये समस्या क्यों होती है और इसके क्या उपचार हैं। वैसे तो अगर आपके पशुओं में समस्या आती है तो आप किसी योग्य पशु चिकित्सक को दिखाकर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आप बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी इंजेक्शन के भी ये समस्या काफ़ी हद तक, या मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत जानवरों का इनसे ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, क्या है वो, इससे जानने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी साथियों ने या जिन भी मेरे भाइयों ने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी और तमाम अनुभूतियाँ जो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में हैं, या फिर मेरी कोई कहानी या मेरी कविता, जिससे आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आपसे जुड़ा रहूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर मेरे नोटिफिकेशन भी, जिससे आपको मिलते रहें, मुझसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, बात मैं कर रहा था कि दूध में ब्लड आने की बात, काविंग के बाद या मैं कहें कि ब्याने के बाद पशुओं में अक्सर ये दिक्कत आती है कि उनके दूध में कहीं से ब्लड आने लगता है। अब वो कहीं से क्या आ रहा है, चूँकि कई बार हाइपरीमिया हो जाता है, यानी अधिक ब्लड सप्लाई हो रही होती है थन के कुछ हिस्सों में, तो उसकी वजह से ब्लड आने लगता है। कई बार कोई इंजरी होती है जहाँ पे, उसकी वजह से ब्लड आने लगता है। मैस्टाइटिस या थनेला की शुरुआत होती है, उसमें भी ब्लड आने लगता है। लेकिन ज़्यादातर जो ये ब्लड आने लगता है काविंग के बाद, ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना कहें कि कई बार किसी वजह से ब्लड सेल्स ऊज होके आने लगी, रिस कर आने लगी, हिंदी में हम कहें अगर इसे, तो या कोई इंजरी हो गई जिसकी आने लगी, तो हम इसमें क्या करेंगे। देखिए, वेटनरी साइंस तो ये कहती है कि अगर दूध में ब्लड आ रहा है तो उस जानवर को सबसे ज़्यादा जो हमारा ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक बात पे फोकस होना चाहिए कि हम उसे कैल्शियम दें। उसे ना हैवी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, ना कुछ उसे हैवी एंटी इन्फ्लेमेटरी की ज़रूरत है। उसे ज़्यादा ज़रूरत है तो एक अच्छे कैल्शियम के सोर्स की ज़रूरत है। आप कैल्बोरॉल या माइफेक्स जैसी प्रिपरेशन इंट्रावेनस जो होते हैं, आपके डॉक्टर आते हैं वो देते हैं, या आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशन है जो ओरल दी जाती हैं, उनको आप एक ड्रेंच के तौर पर लाते हैं और पिला देते हैं और आपको एक अच्छा अमाउंट कैल्शियम का मिल जाता है। तो ये तो बात हुई जो ड्रग्स अवेलेबल हैं और उनको देकर आप इसका प्राइमरी काज दूर कर सकते हैं। जो प्राथमिक कारण है वो है कैल्शियम की कमी, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी वजहें होती हैं। कई बार इन्फेक्शन भी होते हैं लेप्टोस्पायरा जैसे, तो उसमें भी ब्लड आता है। लेकिन फर्स्ट क्या स्टेप होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि क्या एक उपाय कर आप इससे अपने जानवरों को ठीक कर सकते हैं। तो वो उपाय है दोस्तों कि अगर आपके पशुओं के दूध में खून आ रहा है तो आपको एक 50 ml के डिटॉल की शीशी लेनी है और उसको खोल के 2 लीटर पानी में डालना है और उसे एज ए ड्रेंच एक बार में पिला देना। तो वो 50 ml का डिटॉल आप जब उसको डाइल्यूट करके 2 लीटर पानी में पिला देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि जितने लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं उसका लगभग 60-65%, मेरे पास इसका डेटा भी उपलब्ध है क्योंकि मैंने जिन लोगों को सलाह दी लंबे अरसे तक, मैं उनको कहीं ना कहीं नोट भी करता गया, तो लगभग 60-65% केस जो होते हैं वो इसी से ठीक हो जाते हैं बिना किसी दवा के, सिर्फ डिटॉल की एक डोज से। अब मेरे जो वेटनरी डॉक्टर साथी होंगे वो कहेंगे कि ये क्या भाई, किस तरह की सलाह दी जा रही है, डिटॉल एक डिसइंफेक्टेंट है जिसे आप ओरल पिलाने की सलाह दे रहे हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्या इसका कोई
नुकसान नहीं होगा इससे, तो मैं आपको बताऊं कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जो लोग कोई ऐसा केस अगर आपको मिलता है जिसमें ब्लड आने की समस्या जो है वो नहीं ठीक हो रही है, जो आप रूटीन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो एक बहुत पुराना और सटीक ट्रीटमेंट हुआ करता था, फॉर्मलिन का ट्रीटमेंट। फॉर्मलिन क्या होती है, 40% सोल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मलिन मार्केट में अवेलेबल होता है, और फॉर्मलिन का 2% सोल्यूशन। 2% सोल्यूशन कैसे बनाएंगे हम, 10 ml फॉर्मलिन को 500 ml यानी एक DNS की बॉटल में, एक सलाइन की बॉटल में हम 10 ml फॉर्मलिन डाल के एनिमल को IV देंगे। और IV देंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, सोचेंगे कि फॉर्मलिन IV दे रहे हैं कहीं ये कुछ नुकसान तो नहीं करेगा, ये बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। और ये आप जब फॉर्मलिन 10 ml उसको DNS के साथ या नॉर्मल सलाइन के साथ देंगे, तो आप देखेंगे कि ये अकेला ही जो है दूध में ब्लड आने की समस्या को रोक सकता है। तो आज की मेरी किसान भाइयों को, अपने पशुपालक भाइयों को एक ये थी कि अगर आपके पशु के थन से खून आने लगा, तो आप अपने नज़दीकी दुकान से एक डिटॉल की शीशी लाएंगे और उसको घोलेंगे 2 लीटर पानी में और पिला देंगे, और साथ ही साथ एक कैल्शियम की एक हैवी डोज़ अपने पशु को दे देंगे। अगर आप ये दो काम कर लेंगे तो हो सकता है 90% केस में आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, और इसके बाद भी अगर ये समस्या बनी रहती है तो किसी योगी पशु चिकित्सक को दिखाएं और इस समस्या से मुक्ति पाएं। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां आती हैं जो इसमें बहुत कारगर हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम इसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें और इसे आजमाएं, और ये बातें बिल्कुल ट्रस्टेड हैं। कोई अगर आपके मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे जाकर इसे लिख सकते हैं, मैं आपको डिटेल में उसका आंसर दूंगा। और इससे जुड़ा और क्या, इसके अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होम्योपैथिक दवाएं हैं या कोई और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, जैसे कपूर है लोग देते हैं, 2 कपूर की टिक्की सुबह शाम उसको खिलाते हैं, और इसी तरह के और भी कई सारे ट्रीटमेंट हैं, तो वो आप मुझसे अब कमेंट बॉक्स में लिख कर जान सकते हैं, मैं आपको उसका डिटेल्स उसमें आपको मैं ज़रूर आंसर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।